गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए, कल लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन कंप्लीट किया था और कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे, ठीक है। अब उसके आगे कंटिन्यू करना है हमें, ठीक है, तो उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल, है ना। एक्सपोनेंट मतलब होता है घातें, प्राइम मतलब मालूम ही अभाज्य, एन फैक्टोरियल में अभाज्य पी की घातें, एन फैक्टोरियल में हमें अभाज्य पी की घातें निकालना है। देखो मीनिंग बताता हूं मैं, एन फैक्टोरियल में अभाज्य पी की घातें, जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं 5 फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या क्या ले लें, कोई भी 2 ले लिए, 5 फैक्टोरियल में 2 की कितनी घातें होंगी, है ना। क्वेश्चन ये पूछा मैंने, 5 फैक्टोरियल में 2 के कितने एक्सपोनेंट होंगे, 2 की पावर्स कितने होंगे, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब सबको मालूम है, 5, 4, 3, 2, 1। तो देखो 5 में तो 2 की एक भी पावर नहीं आई, यस। 4 में 2 की कितनी पावर आ गई, 2 पावर आ गई 4 की, और ये 2 में एक पावर, 3 में कोई पावर नहीं, तो टोटल कितनी पावर होगी, 2 + 1, 3, टोटल 3। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि 5 फैक्टोरियल में अभाज्य पी की कितनी घाते हैं, तो आंसर आ जाएगा 3। अब ये तो छोटा क्वेश्चन था, अगर मैं बोल दूं 50 फैक्टोरियल में 2 की कितनी घाते हैं, कितना लिखोगे, बहुत लिखना पड़ेगा, ठीक है, 50, 49, और तो बहुत सारे लिखना पड़ेंगे, और 2 की पावर्स तो बहुत ज्यादा ही होंगी। तो अगर हम 50 फैक्टोरियल में 5 की घातें देखें, एक्सपोनेंट ऑफ 5, 5 की घातें निकाले 50 फैक्टोरियल, तो देखो 50, 49, 48, 47, 46, इनमें तो आना नहीं थी, वो तो लिखा है बस, केवल 45। इसमें 5 की कितनी घातें हैं, 2, इसमें 5 की कितनी घात है, 1, है ना। 50 में 5 × 5 × 2, अब 45 से लेकर 44, 43, 42, 41, 40 में आएगा, 40 में 5 की कितनी पावर होगी, 1, 45 के बाद फिर 35 में, 40 के बाद फिर 35 में 5 की एक पावर, फिर 30 में एक पावर 5 की, फिर 25 में 2 पावर 5 की, फिर 25 के बाद 20 में एक पावर, फिर 20th 15 में एक पावर, फिर 10 में एक पावर, और फिर 5 में एक पावर। क्या ये बात समझ में आ गई, गिने पावर 2, 1, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 1, 9, 10, 11, 12, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 50 फैक्टोरियल विल बी 12। क्या ये समझ में आया कि सबको, मीनिंग समझ में आया सभी को। चलिए अब फॉर्मूला बन लिखते हैं इसका, कि भाई ऐसे तो कब तक कैलकुलेट करेंगे, कोई आसान तरीका बताएं। तो मैं ये नोट कर लिया, तो नेक्स्ट स्लाइड पर आऊं। चलिए देखेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल, है ना। एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट मतलब घाते हैं, प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल,
एन बाय पी प्लस एन बाय पी स्क्वेयर प्लस एन बाय पी क्यूब, जहां ये बॉक्स महत्तम पूर्णांक फलन है। महत्तम पूर्णांक फलन जानते हो क्या होता है ना, जैसे 3.2 तो क्या आएगा, उत्तर पूर्णांक क्या आएगा, छोटा या बराबर 4.74 माइनस 1.9 माइनस 2, मालूम है सभी को, 3 का 3 पूर्णांक होगा तो पूर्णांक आ जाएगा, नहीं तो उससे छोटा पूर्णांक है। ठीक है, ये कहां तक जाना है, ये डैश लगा जहां पे जीरो बन जाए, वहां के बाद फिर जीरो ही बनते रहेगा। ओके, जैसे अपन ने पहला क्वेश्चन किया एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 5 फैक्टोरियल, कितने आए थे, 3 आए थे, 3 घातांक आए थे, 3 घात आई थी 5 फैक्टोरियल में 2 की। ओके, समझ में आ रहा सबको, तो देखो किस में निकाल रहे हो, 5 5 में 2 की घातें, तो 5/2 पी मतलब 2 प्राइम 2 स्क्वायर 5/2 क्यूब। अब देखो आगे 5, जब भी डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आ जाए 5/8 0. समथिंग आएगा और उसका महत्तम पूर्णांक 0.5 0.4 सबका महत्तम पूर्णांक 0 है, तो आगे सारे पद कितने आने वाले हैं 0। तो 5/2 2.5 का महत्तम पूर्णांक 2, 5/4 का महत्तम पूर्णांक 1.25 का महत्तम पूर्णांक 1 और ये 0। समझ गए क्या, कंसेप्ट समझ में आया कि सबको। अब दूसरा क्वेश्चन हमने किया था 5 की 50 फैक्टोरियल में 5 की कितनी घातें आई, रख दो 50 upon 5 square 50 upon 5 cube 125 हो गया, बस नीचे बड़ा नंबर आ जाए तो छोड़ दो, 5 times 50 ये 25 नीचे 0 आ गया। क्या आंसर सबको समझ में आया, ये देखो 12 लाए थे। कंसेप्ट क्लियर है, ओके चलिए अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करेंगे। हंड्रेड फैक्टोरियल में 2, 3, 5 की घातें ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन ये ज्ञात करें, दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। कर रहे हैं सभी, करेंगे। आया है पहला आंसर 100 फैक्टोरियल में 2 की घातें, बिल्कुल सही बताई, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, सुरेश ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 100 by 2 स्क्वायर हंड्रेड बाय टू क्यूब 100/2 की पावर 4
तो जगह 50। बिल्कुल सुरेश, अगला भी सही बताया आपने, है ना। 100/4 25, 100/8 12, 8 96, 12 point something, 16, 6 96, 25, 4 100, 64, फिर 128, 0 आना चाहिए। बिल्कुल दीपक सही है। 75 और 12 87, 87 और 6 93, 4 90 कितना हो गया, 75 और 6 5 और 12 87, 87 6 93। ये कहीं मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या, देखेंगे। हाँ ये ठीक है, इसमें चेक करें एक्सपोनेंट ऑफ 2 54, 8 से 100 को 12 ही आएगा, ठीक है। 100/16 6, 7, ठीक है यहां तक 7, ये 80 कौन सा 22 की पर, हाँ ये गलती है, वो 2 की पावर 5 में 25 समझ रहा हूँ, 4 लिख दिया, जबकि 32 है तो 3 आएगा, तो 97 आएगा, ठीक है। चलिए अब हम एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल, पहले 3 का बताना है, सही बता दिए ज्यादातर लोगों ने, 3 के कितने बताए हैं, 48, बिल्कुल सही है। 100/3, 100/3 स्क्वायर, 100/3 क्यूब, 100/3 टू द पावर 4, बस 0 आना चालू हो जाएंगे। 100/3 33, 9 27, 3 से 81, 1, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल, लेकिन प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। 100/5, 100/5 स्क्वायर, 100/5 क्यूब, 20 प्लस 4 प्लस 125/100, 100/125, सॉरी, समझ में आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बात करें, 100 फैक्टोरियल के मान में अंत में शून्यों की संख्या, मतलब 100 फैक्टोरियल का जो भी मान आएगा तो लास्ट में जीरोज तो होंगे ही उसमें, आखिरी में लास्ट में कितने शून्य होंगे, ये क्वेश्चन है। उदय ने आंसर सही दिया है, किसी ने गलत भी दिया है। सुरेश आपने क्या किया कि 100 फैक्टोरियल में 100 के दो जीरो ले लिए, फिर 90 का एक जीरो ले लिया, फिर 80 का एक जीरो ले लिया, आपने 5 × 2 से भी तो 10 बनेगा, उसका एक जीरो कहाँ जाएगा, फिर 4 × 5 से 20 बनेगा, उसका जीरो कहाँ जाएगा। तो इसमें याद रखो 100 फैक्टोरियल में अभी अपन ने ऊपर ही कर रखा है, 2 की कितनी घातें आएंगी 97, 3 की कितनी घातें आएंगी 48, 5 की कितनी घातें आएंगी 24, देखो और भी घातें तो आएंगी, अब मिल निकाली नहीं है मैंने, 7 प्राइम है, 7 की घातें आएंगी, 11 की घातें आएंगी कुछ, 13 की घातें आएंगी कुछ, 17 की भी घात आएगी और 19 की भी घात आएगी, है ना, जितने भी प्राइम सबकी घात आएगी। हाँ, लेकिन जो शून्य बनना है वो केवल इनके मल्टीप्लीकेशन से बनना है, 2 और 5, और किसी और कितनी भी किसकी भी घाते आती रही उनसे जीरो तो बनेगा नहीं। और हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसमें 2 की घातें हमेशा 5 की घातों से ज्यादा ही होंगी, तो अगर मैं 24 2 की घात ले लेता हूं इससे और उतने जीरो लिख देता हूं पीछे, अब बचेंगे जितने भी 2 बचेंगे उनका 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 तो बचे ही नहीं, 7 से 11 किसी से भी जीरो थोड़ी बनेगा। कहने का इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें उसमें क्या देखना है,
किसी भी फैक्टोरियल, किसी भी संख्या के फैक्टोरियल में अंत में कितने शून्य होंगे, तो उसमें हमें क्या देखना है, पांच की घाते, जितनी पांच की घाते होंगी उतने शून्य होंगे। क्लियर? तो आंसर कितना आ गया, 24। सबको कंसेप्ट समझ में आया क्या? हाँ जानी, क्या चीज रिपीट करूं बेटा, 100 फैक्टोरियल। देखो यानी कि 100 फैक्टोरियल जो है, क्वेश्चन है 100 फैक्टोरियल में के मान में कितने शून्य होंगे। तो देखो 100 फैक्टोरियल का मान क्या होता, 100 × 99 × 98 100 × 99 × 98 ऐसा 1 तक जाना है, राइट। तो मैंने क्या किया, तो उसमें कुछ दो की घाते आएंगी, तो दो की घाते ऊपर निकाल के रखी 97, तो वो लिख दिया मैंने। फिर तीन की घाते हैं, फिर पांच की घाते हैं, फिर सात सबकी घात, ये फिर निकाली नहीं, ऐसे ही लिख दी मैंने कि कुछ ना कुछ घात जरूर आएंगी। अब देखो 10 कैसे बनेगा, आखिरी में जीरो कैसे आएगा 5 और 2 का इंटू करने से। अब पांच की जितनी घाते हैं 24, उतने 2 मैंने ले लिए इसमें से 97 में से, तो उतने तो जीरो आ गए, 24 जीरो आ गए। अब 5 तो बचा नहीं, 2 कितने भी बचे रहे, तो उन 2 का किसी भी में 3, 7, 9, 3, 7, 11, 13, 17, 19 किसी में भी मल्टीप्लाई करे तो जीरो तो नहीं बने, जीरो तो 5 और 2 के मिल के मल्टीप्लीकेशन से ही बने, ठीक है। तो अंत में ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो उसमें 5 की घाते निकाल, 5 के जितने पावर्स होंगे उतने ही उस संख्या के फैक्टोरियल में अंत में शून्य होंगे। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? सेकेंड और 5 में जिसकी पावर ज्यादा, लेकिन जनरली जब ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन होगा तो उसमें 5 की पावर कम होगी, 2 की ज्यादा होगी। तो ऐसा अपन बोल सकते हैं कि 2 की पावर, 5 या 2 की पावर जिसकी भी ज्यादा हो, नहीं केवल 5 की पावर ही देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कंसेप्ट पर। हंड्रेड सी 50 में के मान में अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात की। अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो 100 × 50 का मतलब फैक्टोरियल 100 अपॉन फैक्टोरियल 50 इंटू फैक्टोरियल 100 में 2 की कितनी घाते हैं, 97, और 5 की 24, और से हमें मतलब नहीं है क्योंकि वो जीरो नहीं बना पाएगा, 3, 7, 9 कुछ भी मिला के, ठीक है 3, 7, 9 तो होता ही नहीं, 11, ठीक है। अब 50 फैक्टोरियल 2 बार है, 50 फैक्टोरियल में 5 की कितनी घाते हैं, 12 है। अभी अपन ने किया था एक क्वेश्चन 5 की पावर 12, मैं 2 निकाल नहीं रहा हूं कितने, और 50 फैक्टोरियल का स्क्वायर कर दिया, फिफ्टी फैक्टोरियल में 5 की 12 पावर ही आएंगी। कंफर्म करें, ठीक है सर, है ना। तो ये तो ऊपर शून्य कितने आ गए, ऊपर 24, और नीचे भी शून्य कितने हो गए, 24 कैंसिल हो जाएंगे, है ना।
समझ में आ रहा है क्या? 50 फैक्टोरियल एक बार फिर से अपन चेक करें, अपन ने सही लिखे थे 50 फैक्टोरियल में 5 की घातें 12 ही आई थी, 10 यस, तो 50 फैक्टोरियल का स्क्वायर है यहाँ, तो यहाँ भी ओवरऑल 5 की 5 की पावर कितनी आ जाएंगी? 0। 5 की घात में एक भी, 5 की घात में एक भी संख्या नहीं है, 5 की जितनी घात होती है उतने शून्य आते, तो अंत कोई शून्य नहीं होगा। देखो कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है, एक बार और देखो, नहीं होगा। राइट है? ओके यस सर। ठीक है, सभी को समझ में आया? ओके हमने हमें ये बताना था कि 100C50 में का जो भी मान आएगा उसके आखिरी में शून्य होंगे या कितने शून्य होंगे, तो हमने 100 ये फॉर्मूला लगाया, 100C50NCR का फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r, फिर 100 फैक्टोरियल में 5 की कितनी पावर है, क्योंकि 5 की पावर जितनी होती है उतने ही शून्य होते हैं, और डिनोमिनेटर में भी 5 की पावर 24 है, तो 5 की पावर क्या बची? 24 माइनस, और बाकी से कोई मतलब नहीं क्योंकि बाकी मिलके 0 नहीं बना सकते लास्ट, तो 5 की पावर 0 मतलब 1, मतलब एक भी शून्य नहीं आया। क्लियर हो गया सभी को? एक भी शून्य नहीं होगा, ठीक है नयन? ओके चलिए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। नॉन कॉन्जिक्यूटिव, लीनियर सिलेक्शंस, नॉन कॉन्जिक्यूटिव लीनियर सिलेक्शन, नॉन कॉन्जिक्यूटिव लीनियर सिलेक्शन। पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव लीनियर सिलेक्शन का क्या मतलब है, कि अगर हमें एक पंक्ति में रेखिक लीनियर माने रेखिक, अगर हमें एक रेखा में कुछ वस्तुएं दी गई हैं, विभिन्न वस्तुएं जो कि एक रेखा में व्यवस्थित है, एक रेखा में रखी गई है, अगर हमें इनमें से कोई भी 3 या 4 या जितनी भी वस्तुओं का सिलेक्शन करना हो, तो जो भी वस्तुएं हम सिलेक्ट करेंगे वो क्रमागत ना हो, एक क्रम से रखी गई, ठीक है, तो क्रमागत ना हो, तो रैखिक अक्रमागत रैखिक संचय, मैं हेडिंग लिख देता हूं पहले, अक्रमागत नॉन कॉन्जिक्यूटिव अक्रमागत रैखिक संचय, अक्रमागत रैखिक संचय। अब इसका मतलब समझते हैं हम, कि अगर मान लेते हैं हम ए बी सी डी ई एफ, एक रेखा में ये 6 वस्तुएं रखी गई, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इनमें से हमें
तीन वस्तुओं का चयन करना है, छह में से तीन वस्तुओं का चयन करना है, तो वो तीनों वस्तुएं क्रमागत ना हो। क्रमागत ना हो का मतलब कोई भी तीनों वस्तुएं क्रमागत ना हो, ऐसा नहीं हो कि ये दो ये ले ली और एक ही, क्या दिक्कत आ गई इसमें, ये ई और एफ क्रमागत हो गई। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? आपने पता चले ये तीन सेलेक्ट कर ली, ये तीन सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्रमागत हो। तो संचय मतलब सिलेक्शन और अक्रमागत, कोई सी भी तीन वस्तुएं चयन करें वो अक्रमागत होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, तो इसका तरीका देखें हम। तो जैसे अगर हम तीन वस्तुओं का ही केस बना लें कि ए बी सी तीन वस्तुएं हैं, हमें दो वस्तुओं का चयन करना है और वो अक्रमागत, कितने तरीके से कर सकते? एक ही तरीके से कर पाओगे भाई, ए और सी का ही चयन कर पाओगे अक्रमागत की, दो वस्तुओं का चयन करना है। अगर यही वाला केस ले लिया, एक बिल्कुल छोटा सा केस बनाया कि तीन ही वस्तु ए बी सी क्रम से, उनमें से दो वस्तुओं का चयन करना है, वो क्रमागत ना हो, तो एक ही तरीके से कर पाओगे ए और सी, ठीक है? समझ में आया? तो अब देखो इसको समझें हम कैसे। इसको ऐसे समझते हैं कि तीन वस्तुएं थी, उनमें से हमें दो वस्तुओं का चयन करना है, इन तीन वस्तुओं में से दो वस्तुओं का चयन करना, और वो क्रमागत नहीं होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं इसमें, जिन कोई दो वस्तुएं निकाल लेते हैं, इनमें से दो वस्तुएं निकाल ली, दो क्योंकि चयन ही दो वस्तुओं का करना है, ठीक है? अब मान लो बी और सी निकाल ली और ए यहाँ है, बी और सी निकाल ली, अब ए के इधर और इधर हमारे पास स्पेस कितना, दो खाली स्थान है इधर और इधर, तो हम इन दो स्थानों पर दो वस्तुओं को कितने तरीके से रख सकते, इन दो स्थानों को चयन करा 2C2 वे से, तो एक ही तरीके से चयन कर सकते हैं इन दो स्थानों का और उन पर रख देंगे एक एक। समझ में आया क्या कंसेप्ट? तो इससे रिलेटेड अक्रमागत रैखिक संचय से संबंधित एक स्टेशन प्रॉब्लम होती है, उसको लिख देते हैं अपन, स्टेशन स्टेशन प्रॉब्लम हो। जैसे दो स्टेशनों के बीच, दो स्टेशनों के बीच बारह स्टेशन, एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं पहले फिर थ्योरेटिकल लिख लेंगे, दो स्टेशनों के बीच बारह स्टेशन, एक ट्रेन कितने तरीकों से चार स्टेशनों पर स्टॉप ले सकती है, स्टॉप रुक सकती है, ठहर सकती है, रुक सकती है, स्टॉप ले सकती है है यदि दो दो यदि कोई भी दो भी दो स्टॉपिंग स्टेशन
स्टॉप ले सकती हैं यदि कोई भी दो स्टॉपिंग स्टेशन क्रमागत ना हो। क्रमागत ना हो मतलब समझ में आया क्या? 12 स्टेशन हैं दो स्टेशनों के बीच, 12 स्टेशन है, एक तो है जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां एंड हो रही, उन पर तो रुकने का सवाल नहीं, पहले और आखिरी। अब 12 स्टेशनों में से उसको 4 स्टेशन पे स्टॉप लेना है, तो कितने तरीके से स्टॉप ले सकती है यदि कोई भी दो स्टॉपिंग स्टेशन क्रमागत ना हो, एक के बाद लगातार दो स्टेशनों पर स्टॉप नहीं ले। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया क्या? क्वेश्चन इसी को बोल रहे हैं हम अक्रमागत रैखिक संचय। ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं अक्रमागत रैखिक संचय। तो सोचें क्या कर सकते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन तो किया ही था। और सोचें थोड़ा, बताता हूं। नहीं, चलिए मैं बताता हूं। है ना, देखो ए और बी के बीच में 12 स्टेशन है, तो जिन स्टेशन पर स्टॉप लेना है वो प्रैक्टिकली अपन बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन अपन क्या करें, 12 स्टेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 स्टेशन में जिन 4 स्टेशन पर स्टॉप लेना है उनको बाहर निकालते हैं। 4 स्टॉपिंग स्टेशन बाहर निकल दिए, तो अब कितने स्टेशन बचे? 8 बचे। अब 8 के बीच में गैप कितने आएंगे लीनियर? 9 गैप होंगे। इन जो 9 गैप्स में अगर हम ये 4 रुकने वाले स्टेशन रख दें, तो कोई भी दो स्टॉपिंग स्टेशंस क्रमागत नहीं होंगे। बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आई क्या भाई? अपने 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 क्रम पे बैठे एक लाइन में, जैसे मान लो ये आगरा और ये बॉम्बे, आगरा और बॉम्बे दो स्टेशन हैं, उनके बीच में 12 स्टेशन। अब बाकी स्टेशन की तो अपनी अपनी जगह फिक्स है ट्रेन रूट पे, तो हमने अगर कोई भी 4 स्टेशन जिनपे स्टॉप लेना है वो बाहर निकाल ली, तो अब बचे कितने? 8 स्टेशन, उनके बीच में 9 गैप होंगे। जिन 4 स्टेशन पर रुकना था और वो क्रमागत नहीं थे वो बाहर निकाल लिए, कोई से भी 4 स्टेशन, और उनको इन गैप में रख दिया 9 गैप में, तो 9 में से कितने गैप का चयन किया? 4 गैप का चयन किया, 9C4। कैलकुलेट कर लो, 9C4 आंसर है।
ठीक है, समझ में आ गया। आ गया 126, कंसेप्ट भी समझ में आ गया क्या सभी को? कंसेप्ट भी समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट, ये कंप्लीट हो गया तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर इसको लिख देता हूं, अक्रमागत रैखिक संचय। ओके, हाँ, एक पंक्ति में क्रम से बैठे हुए n व्यक्तियों में से r व्यक्तियों के चयन के तरीके यदि इनमें से कोई भी यदि चुने गए आर व्यक्तियों में कोई भी दो व्यक्ति क्रमागत ना, आर व्यक्तियों में से कोई भी दो चुने गए आर व्यक्तियों में से कोई भी दो क्रमागत ना, समझ में आया क्या? क्रम से, क्रम सबका फिक्स है, कौन किसके बाद बैठा है। तो देखो, जिन आर व्यक्तियों को चुनना है उनको बाहर निकाल, ठीक है, उन आर व्यक्तियों को बाहर निकाल दिया। तो टोटल व्यक्ति थे एन, उनमें से आर बाहर निकाल दिए, है ना, और ऑब्वियसली आर इज लेस देन और इक्वल टू, आर व्यक्ति बाहर निकाल लिए, तो अब बचे कितने लोग, एन माइनस आर, और एन माइनस आर के बीच में गैप कितने होंगे, एन माइनस आर प्लस वन गैप होंगे, ठीक है, और उनमें से कितने गैप सिलेक्ट करना है, उनमें से कितने गैप सेलेक्ट करना है आर। कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? जो आर व्यक्तियों को चुनना था जो क्रमागत ना हो उनको बाहर निकाल लिया, तो बचे एन माइनस आर लोग, उनके बीच में गैप होंगे एन माइनस आर प्लस वन, और n माइनस आर प्लस वन गैप में से जो r बाहर निकाले उनको वहां पर उन स्थानों पर चयन करके बिठाना है, अरेंज नहीं करना, केवल चयन के तरीके हैं, n माइनस आर प्लस वन cr। कंसेप्ट समझ में आया क्या? प्लस वन क्यों? अरे यार, अभी भी तीन लोगों हैं, उनके बीच में गैप हमेशा चार होंगे ना, देखो एक दो तीन चार, कितनी बार कंसेप्ट आ चुका है, तो एन माइनस आर लोगों के बीच में गैप तो एन माइनस आर प्लस वन होंगे ना, तीन लोगों के बीच में चार गैप, ओके, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब इसी तरह जिस तरह नॉन कॉन्जिक्यूटिव लीनियर कॉम्बिनेशन है उसी तरह नॉन कॉन्जिक्यूटिव सर्कुलर कॉम्बिनेशन कि अगर यही केस अगर वृत्त पर होता ठीक है तो वो स्टेशन प्रॉब्लम भी यही है जो ऊपर हमने पढ़ा, ये स्टेशन प्रॉब्लम भी इसी को बोलते हैं।
ठीक है। चलिए अब नॉन कॉन्जिक्यूटिव सर्कुलर सिलेक्शन, नॉन कॉन्जिक्यूटिव सर्कुलर सिलेक्शन, अक्रमागत वृत्तीय संचय, ठीक है, अक्रमागत वृत्तीय संचय, संचय है यहां, अरेंजमेंट नहीं है, कॉम्बिनेशन है, अक्रमागत वृत्तीय संचय। अब इसमें क्या है, एन ऑब्जेक्ट है, एन विभिन्न लोग हैं जो एक वृत्त पर क्रम से बैठे हुए हैं, अब उनमें से हमें आर लोगों का चयन करना है और कोई भी दो उनमें क्रमागत ना हो, बस सीधा सा सीधी सी बात है, ठीक है। तो लिख देता हूं इसको, एक वृत्त पर क्रम से बैठे हुए एन व्यक्तियों में से आर व्यक्तियों के चयन के तरीके यदि चुने गए आर व्यक्तियों में से कोई भी दो क्रमागत ना हो, चुने गए आर व्यक्तियों में से कोई दो क्रमागत ना हो, कोई दो क्रमागत ना हो, हाँ। तो देखो वृत्त पर n लोग थे, a1 a2 a3 और an, ठीक है। तो अब आप इस वृत्त को यहां से तोड़ दो और रेखिक बना दो, यहाँ a1 से तोड़ दिया, ठीक है। तो a1 a2 a3 और an, ठीक है, a1 से तोड़ दिया, तो ये तो वृत्त रेखा में थे, तो पहला a1 है और nवा an, पर वृत्त पे तो पहला और आखिरी का कोई मतलब ही नहीं था, यहां से an से गिन लेता तो an पहला हो जाता, तो बाकी इन दो में को हम रेखिक क्रमचय में शामिल नहीं कर सकते, बाकी सबके लिए तो लगा सकते, तो हम पूरे सबके लिए है ना, क्योंकि ये पहला और आखिरी कोई भी फिक्स नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, पहले तो टोटल एन वस्तुएं हैं उनसे रेखिक संचय बना लें, टोटल एन माइनस आर प्लस वन ऊपर जैसा लिखा है। अब इसमें हमने पहले और एनवे, पहला पहले ए1 और एन, इन दोनों को भी काउंट कर लिया, जबकि ये दोनों रेखिक संचय की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेंगे, तो उसमें सारे केस आ गए, तो इसलिए हम एक काम करते हैं, एन माइनस आर प्लस वन माइनस टू करें तो माइनस वन बचेगा और इधर आर माइनस टू बचेगा, मतलब कुछ भी नहीं किया, ये ऊपर जो लिखे थे नंबर और नीचे दोनों में से टू टू माइनस कर दिए, कौन से टू माइनस कर दिए, a1 और an, राइट है ना, तो रिजल्ट याद रखना है, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा।
ठीक है, हो गया सभी का। चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ। लिखेंगे क्वेश्चन। एक ट्रेन रूट पर, एक वृत्तीय ट्रेन रूट पर, एक वृत्तीय ट्रेन रूट पर आठ स्टेशन है। तीन अक्रमागत स्टेशनों को कितने प्रकार से चुना जा सकता है, या यूं बोले ट्रेन किन्हीं ट्रेन किन्हीं तीन स्टेशन पर स्टेशन पर कितने प्रकार से रुक सकती है, यदि रुकने वाले स्टेशन क्रमागत ना हो। मीनिंग समझ गए का, जिन स्टेशन पर स्टॉप लेना है वो क्रमागत ना हो, क्रमागत ना हो। समझ गए क्या क्वेश्चन? यदि रुकने वाले स्टेशन क्रमागत ना हो। कर रहे हैं सभी? आठ स्टेशन है, पहले तो टोटल और कितने स्टेशन पर रुकना है, n-3 टोटल +1 माइनस r माइनस, अब दो दो कम कर दो, 8 वैसे कितना हो गया कैलकुलेट कर लें तो 8 1 9 9 में से 3 गया 6, 6 में से 2 गया 4 और इधर पर, समझ में आया, ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके आंसर बताएं। बिल्कुल सही, 6c3 - 4c1, 6c3 20 - 4, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक समबहुभुज में 15 भुजाएं हैं, एक समबहुभुज में 15 भुजाएं हैं, कितने तरीकों से बहुभुज के शीर्षों से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, यदि कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, यदि बहुभुज के शीर्षों से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, यदि
त्रिभुज की भुजा व बहुभुज की भुजा समान ना, बहुभुज की भुजा एक ही रेखा ना। क्वेश्चन समझ में आ गया? यदि बहुभुज की भुजा यदि त्रिभुज की भुजा और बहुभुज की भुजा एक ही रेखा ना, मतलब कहने का जो भुजा त्रिभुज की है वो बहुभुज की भुजा नहीं होना चाहिए। मतलब समझ में आया? करना क्या है, जो सम बहुभुज होता है उसके शीर्षों से हमेशा एक वृत्त जाता है, ठीक है। समबहुभुज है ना, ये बराबर भुजाएं हैं, ऐसी 15 भुजाएं हैं। दो भुजाएं है ना, ये एक भुजा P1, P2, P3, P4 है ना, ऐसी बहुभुज है ये। अरे समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया? P15, P5 समझ में आया क्या? P14 ऐसी 15 शीर्ष है, तो 15 शीर्ष ही एक वृत्त पर स्थित होंगे, क्योंकि जो भी समबहुभुज होता है उसके केंद्र से परिकेंद्र से शीर्षों की दूरियां बराबर होती है, ठीक है। तो वृत्त पर स्थित हैं और हमें 15 शीर्ष हैं, उनमें से 3 शीर्ष का चयन करेंगे। जैसे मान लो मैंने P1 चयन किया, P3 चयन किया और P5 किया। देखो क्रमागत चयन क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं त्रिभुज बनाऊंगा तो देखो अभी अभी त्रिभुज कैसा बन रहा है, देखो P1 P3 और P5 का चयन करके ये त्रिभुज बन गया। अगर मैं लगातार P1 P2 ले लूंगा तो फिर त्रिभुज की भुजा और बहुभुज की भुजा समान हो जाएगी, तो अक्रमागत शीर्ष लेना है। तो मीनिंग हो गया 15 वस्तुएं 15 व्यक्ति एक वृत्त पर क्रम से स्थित हैं, एक क्रम से, उनमें से हमें 3 शीर्ष इस तरह से लेना है, तीन व्यक्ति इस तरह से चयन करना है जो कि क्रमागत ना हो। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो 15 में से 3 निकाल लिए, बचे 12। 12 के बीच में गैप कितने होंगे? 13 है ना, 15 में से वो 3 निकाल लिए माइनस। अब 15 माइनस 3 प्लस 1, इसमें से भी 2 माइनस करें, इसमें से बिल्कुल सही नहीं थी। कंसेप्ट समझ में आ गया क्या सबको? 13C3 है ना, और 11C1 है ना, 2 माइनस करना है। कैलकुलेट कर लें,
थर्टीन ट्वेल्व इलेवन टेन गया, थ्री फैक्टोरियल सिक्स माइनस इलेवन तो 26 इंटू टेन, 11 कॉमन ले लिया, 26 माइनस 1 25, 25 बन जाए 25, 275। हाँ कंसेप्ट समझ में आ गया क्या सभी को? चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। एन विभिन्न वस्तुओं के चयन के कुल तरीके, कुल तरीकों की संख्या, एन विभिन्न वस्तुओं के चयन के कुल तरीकों की संख्या। ये नहीं बताया कि एन में से कितनी वस्तुएं चयन कर, अगर बोलते कि एन में से पांच वस्तुओं के चयन के तरीकों की संख्या तो एन सी फाइव हो जाता। अब ये तो बताया नहीं कि कितनी वस्तुएं का चयन करना है, तो आप सारे केस ले लो, एक भी वस्तु का चयन नहीं किया है एन सी जीरो, या एक वस्तु का चयन किया, या दो वस्तुओं का चयन किया है, तीन वस्तुओं का चयन किया, या पूरी की पूरी एन वस्तुओं का चयन किया और बीच में या लगा है, मतलब कोई एक काम करेंगे एट ए टाइम, तो बीच में क्या लगेगा प्लस। समझ में आया क्या? एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस एंड सो ऑन एन सी एन, एन विभिन्न वस्तुओं के चयन के कुल तरीकों की संख्या। ये बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा हुआ ये रिजल्ट है। ठीक है समझ में आ गया। चलो इसी से लिखते हैं, एन विभिन्न वस्तुओं के चयन के, या एन विभिन्न वस्तुओं में से कम से कम एक वस्तु के चयन के तरीके, के चयनों की संख्या है, चयन के तरीकों की संख्या एक ही बात है। क्या जाएगा? एन सी वन, कम से कम एक वस्तु तो लेना ही है, तो एन सी जीरो वाला केस नहीं आएगा, तो ये एन सी जीरो वन होता है, तो आंसर क्या जाएगा? टू की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ठीक है चलिए क्वेश्चन करते हैं। मोहन के आठ दोस्त हैं, वह कितने प्रकार से, वह कितने प्रकार से एक या एक से अधिक दोस्तों को चाय पर बुला सकता है? बताएं।
255, बिल्कुल सही बात। 5 11 थोड़ी आएगा भाई, 8 में से एक दोस्त को तो कम से कम बुला ना, एक या एक से अधिक, 8C2, या तीनों को बुलाए या पूरे 8 पे बुलाए। तो 2 to the power 8 minus 1 256 minus 1 255 ये आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक प्रश्न पत्र में दो खंड हैं, प्रत्येक खंड में क्रमशः 3 और 5 प्रश्न। क्रमशः 3 व 5 प्रश्न है, मतलब हो गया पहले खंड में 3 व दूसरे खंड में 5 प्रश्न। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य नहीं है, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य नहीं है, प्रत्येक खंड में से एक प्रश्न हल करना अनिवार्य है। में से एक प्रश्न हल करना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी कितने तरीकों से प्रश्न का चयन कर सकता है? चयन कर सकता है, है ना? इसको करें 2n+1, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं बस 2। ओके, समुच्चय में से एक व्यक्ति कम से कम एक वस्तु व ज्यादा से ज्यादा n वस्तुएं n वस्तुएं 63 प्रकार से चुन सकता है। तो n का मान ज्ञात, हाँ पहला क्वेश्चन आया कि सभी को देखो, पेपर में दो खंड हैं, उसको दोनों खंड करना है, कितने प्रकार से प्रश्न का चयन कर सकना, तो कितने प्रकार से पेपर सॉल्व कर सकना, और कम से कम एक प्रश्न तो हर, तो पहले खंड को हल करने के तरीके समझ में आया कैसे आया ही? पहले पेपर, पहले खंड एक को हल करने का तरीके
तो कम से कम एक प्रश्न तो का चयन तो करना ही है तीन में से, 3C1, या फिर दो प्रश्नों का चयन करे या फिर तीसरे प्रश्न का, इसके साथ ही खंड बी भी हल करना है उसको, 5C1, पांच प्रश्न है उसमें, या तो एक प्रश्न को हल या 5C5, समझ, कम से कम एक प्रश्न हल करना जरूरी है। क्या आ गया ये, और ये क्या आ गया, 7:31। ये समझ में आया कि सबको, नोट करें उसका, इस क्वेश्चन को पढ़ें, इसको अटेम्प्ट करना है। ये सुरेश क्या लिख रहे हैं, 5/2 क्या होता है, हाँ ये स्लाइड को क्या आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं, क्वेश्चन लिख लिया सभी ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, 2n+1 वस्तु, एक व्यक्ति कम से कम, व्यक्ति में से एक व्यक्ति कम से कम एक वस्तु व ज्यादा से ज्यादा n वस्तु है 63 प्रकार से चुन सकता है, तो n का मान ज्ञात करना है। तो देखें 2n+1 वस्तुएं थी, उसमें से कम एक का चयन करना है और ज्यादा से ज्यादा कितनी वस्तुओं का चयन करना है, एन का। यही है क्वेश्चन में, ज्यादा से ज्यादा एन वस्तुओं का चयन, बस इससे ज्यादा का चयन नहीं कर सकता टू, 63 प्रकार से चयन तो एन का मान निकालना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या गिवन है, गिवन सभी को समझ में आ गया, दिया हुआ समझ में आ गया। अब देखिए आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए, 2n+NC0+NC1+NC2+NC3 हाँ उदय ने सही बता दिया है, चलो 2n+1 CN प्लस 2n+1 CN+1 है ना, वैसे चलते जा रहे हैं, 2n+1 CN+2 इसके बाद 2n+1 C2n लास्ट में 2n+1 C2n+1 हाँ आंसर रिजल्ट क्या आएगा बताओ, NC0 से लेकर NCN तक 2n और n की जगह यहाँ क्या है, 2n+1 राइट समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू 1 होती है, NC0 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1, लास्ट 2NCN भी 1 होता है। अब ध्यान से देखेंगे, ये गिवन है हमें यहां से लेके यहां तक, तो इसको लिख देते हैं ऐसे ही,
सी। अब जो बचा हुआ उसको लिख देते हैं, 2n plus 1 cn plus 2n plus 1 cn plus 1, 2n plus 1 cn plus 2 और 2n plus 1 c2। ठीक है, तो देखें ये 1 और ये 1, ये 1 और ये 1 मिलके क्या हो गया 2 plus 2n plus 1 c1, 2n plus 1 c2, 2n plus 1 c3। प्लस हाँ इसमें देखें ncr इक्वल टू ncn माइनस r होता है, ncr इक्वल टू ncn माइनस r, तो इसमें अप्लाई करें क्या हो जाएगा, ये 2n plus 1 c, 2n plus 1 minus 2n 1। ठीक है, उसके पहले 2n minus 1 होता तो 2n plus 1 c, 2n 2 आ जाता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं, लास्ट वाले को देखो 2n plus 1 c कितना आ जाएगा, 2n plus 1 minus है, 2n plus c। एक मिनट, एक मिस्टेक कर दी अपन ने, ये तो अपन ने ले रखा है यहां से चालू हो, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 1 से 1 n आ जाएगा। समझ में आया, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, यहाँ इसकी जगह ये नहीं, ये तो सेकंड लास्ट की जगह, ठीक है, इसकी जगह ये आया। ठीक है, समझ में आया क्या, अगर इसकी जगह और लिखना चाहोगे तो वो भी लिख सकते हैं, कौन सा इस टर्म की जगह क्या लिखोगे, 2n plus 1 c, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो n minus 1 और क्या। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो क्या बन गया, ये और ये सेम है दोनों, तो 2 plus 2 times of 2n plus 1 c1 plus 2n plus 1 c2 plus 2n plus 1 cn, जो गिवन है वही आ गया, ये 2 times ये आ गया, गिवन है 63। कितना हो गया, 2 टू दी पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू 126 प्लस 2 128 मतलब 2 टू दी पावर 7, सो 2n प्लस 1 इक्वल टू 7, सो 2n इक्वल टू 6, सो n इक्वल टू 3। हाँ उदय, आपने बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लिया था, कैसे कर लिया था, रिजल्ट याद था क्या? ओके, नहीं बेटा, क्या होता क्वेश्चन पहले किया हो और याद आ जाए एग्जैक्ट, तो अपन जल्दी कर लेते हैं, नोट करेंगे सभी लोग, है ना। तो ये अब आप है ना, आज के कंसेप्ट थोड़े से टफ थे, नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड बताऊं, पिछली स्लाइड की यही बताना है, पिछली ये देखो, पिछली ये, ठीक है ना, यही बताना थी, नोट करें जल्दी। हो गया, हो गया सभी का, है ना, चलिए। हाँ बच्चों, ये नोट कर लिया सभी को, सभी ने नोट कर लिया, चलिए।
ना। तो आज हमने जो थ्योरी की मैं उसके अकॉर्डिंग बिगिनर बॉक्स असाइन करूंगा, हो सकता है कोई बिगिनर बॉक्स कंप्लीट ना हो तो हम कुछ क्वेश्चंस बिगिनर बॉक्स 3 के देंगे और कुछ क्वेश्चंस बिगिनर बॉक्स 4 के असाइनमेंट, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को, है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन बिगिनर बॉक्स 3 के और कुछ क्वेश्चंस बिगिनर बॉक्स 4 के, है ना, हमें करना होंगे क्योंकि हमारी थ्योरी पूरी कंप्लीट 3 की नहीं हुई है, लेकिन 4 के कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, कर सकते हैं, हो चुकी है थ्योरी, है ना। तो 3 और 4 के कुछ मिक्स क्वेश्चंस दूंगा मैं। चलिए, तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।